नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टिप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। एंड उससे पहले, अगर आपने पिछले जितने भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं नॉन टेक के, तो यहां पर आप सारे वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से भी आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। और जितने भी नॉन टेक के शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। एक वीडियो और आना है बस, तो हमारे सारे शिफ्ट के जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से आप हर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आसान सा प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाता है और आपको बताना है इसका आंसर। इस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है। पट्टा पेंटिंग या वारली लोक पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग या कला मैथुदू पेंटिंग। तो आपको पता हो मिथिला कला कहा जाए या मधुबनी पेंटिंग कहा जाए, दोनों के जो है वो नाम एक ही देखने को मिलते हैं। और ये किस राज्य से संबंधित होती है, तो बिहार से है, तो बिहार में जो है वो देखने को मिलती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है, इसी को मिथिला कला या मधुबनी पेंटिंग के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 4, 9, 6 या 11। अच्छा प्रश्न है। देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछे जाता था, दरअसल जो है वो मैं आपको बता दूं कि दो बार जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, और एक तो 1969 में हुआ है और एक 1980 में हुआ है। ठीक है, तो 1969 में जब हुआ था तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 14 बैंक जो है वो नेशनलाइज हुए थे, राष्ट्रीयकरण हो गए थे। 1980 में जो हुए थे वो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो आपसे अगर जनरली वैसा पूछा जाए कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो अगर डेट नहीं दी हुई है और आपको 14 ऑप्शन में मिल जाए तो आपको 14 टिक कर देना है। और यहाँ पर तो एग्जैक्ट जो है वो ये दे दी है उन्होंने 1980, तो यहाँ पर जो है वो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अब बात की जाए तो आरबीआई, आपको पता हो आरबीआई के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आरबीआई का स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में देखने को मिलता है, मुंबई में। और ये 1937 में दरअसल जो है वो इसका हेडक्वार्टर बना था मुंबई में। राष्ट्रीय इस्टेब्लिश पहले हो गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसके फर्स्ट जो गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर कौन थे? सर ऑशबोर्न स्मिथ। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो सभी को पता होगा देशमुख। ठीक है, तो सी डी देशमुख। और अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में बात की जाए तो शक्तिकांत दास, क्योंकि तो कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। तो अभी आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, वही इसको भी याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमण या रमन किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? झारखंड का, उत्तराखंड का, बिहार का या उत्तर प्रदेश का? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड का है। ओके, उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में आपको पता हो तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम अब दूसरा हो गया है राम गंगा नेशनल पार्क। राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और यह देश का पहला जो है वो नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको उत्तराखंड में देखने को। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी या जयललिता? सभी को पता होना चाहिए इंदिरा गांधी जो थी वो पहली महिला विदेश मंत्री थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो रही थी। अभी वर्तमान में कौन है? एस जयशंकर, जो कि वर्तमान में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या पहले विदेश मंत्री हैं।
नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कानून ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया? राइट टू इंफॉर्मेशन, दहेज निषेध अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट या पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन? तो अब यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की सुरक्षा की बात की जा रही है, अनुकूल परिवेश, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, राइट टू इंफॉर्मेशन तो सभी के लिए रहता है, तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा डाउरी। डाउरी जो दहेज लेना जो है वो कानून अपराध होता है, तो ये जो है वो इससे संबंधित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ओके, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इस पर बहस की जाए तो बहुत चीज़ें जो है वो सामने देखने को मिलती हैं, अलग अलग इंसानों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। दहेज लेना जो है वो गलत है, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो जब लड़की के लिए कोई लड़का देखा जाता है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब देखी जाती है, कितना कमाता है, घर बार इतना कुछ देखा जाता है उसका, तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो एक तरीके से ये भी देखा जाए, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं देखते हो तो लड़के के लिए जॉब घर बार, भाई लड़के 25-30 साल की उम्र में क्या उसके पास घर बनवा पाएगा, शुरुआत होती है स्टेज, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो खैर अलग अलग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं। अगर लड़के लड़की वाले इन सब पे ना देखें कि लड़का कितना कमाता है, कोई लड़की अगर देखा जाए तो कभी बेरोजगार शादी नहीं करती। आपने देखा होगा कि बहुत ही जो है वो, मेरे हिसाब से तो अभी तक मुझे मैंने नहीं देखा कि कोई लड़की अगर जॉब लगी हुई, सरकारी नौकरी लगी हुई हो तो वो बेरोजगार से शादी कर ले, नहीं करेगी। और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, खैर सबका ये ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। कैंपा फंड का संबंध टेस्ट से है, जलवायु परिवर्तन, वनीकरण या एफोरेस्टेशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये वनीकरण से जो है वो संबंधित होता है। दरअसल कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, अगर इसका फुल फॉर्म भी पता है तब भी आप जो है वो आराम से जो है वो इसका आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पर ध्वनि तरंग का डैश ध्वनि की प्रबलता के निर्धारित करता है, प्रबलता यानी लाउडनेस, साउंड की जो लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड करती है, स्पीड पर, फ्रिक्वेंसी पर, तरंग देर पर या आयाम पर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, आयाम पर। क्योंकि साउंड चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। साउंड की बात की जाए तो जैसे साउंड वेव होती हैं, साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव एक तो होती है अपनी जो बात की जाए इंफ्रासोनिक हो गई, इंफ्रासोनिक, इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है 20,000 हर्ट्ज से जो है वो कम रहती है, ठीक है। दूसरी होती है ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड होती है इसको 20,000 हर्ट्ज से लेके नहीं, सॉरी 20 हर्ट्ज से लेके नहीं 20,000 हर्ट्ज तक जो रहती है, जो अपन सुनते हैं तो जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, 20 से 20,000, उसके बाद आपको नहीं सुनाई देगी या उससे पहले की नहीं सुनाई देगी। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव होती है, अल्ट्रासोनिक वेव रहती है, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। साउंड की बात की जाए तो मोस्टली जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये तो होगी लाउडनेस, लाउडनेस जिसे हम प्रबलता बोलते हैं, दूसरा हो जाता है पिच, पिच यानी तारत्व बोलते हैं, तारत्व, ये हो जाएगा लाउडनेस को क्या, प्रबलता, प्रबलता। और थर्ड जो रहता है वो रहती है क्वालिटी यानी गुणवत्ता, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करती है, अगर ध्वनि चाल अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की चाल जो है वो किस पे मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है, डीबी, डेसिबल में मापी जाती है। तो इन सबको आपको याद रख लेना है, ध्वनि जो है वो कभी भी निर्वात में तय नहीं करती है, ठीक है, स्पेस में कभी भी या जहाँ पर जो है वो निर्वात है वहाँ पर ट्रेवल नहीं करती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जाके बाहर
फटता है तो क्या धरती पर सुनाई देगा? तो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि आपको पता है जो हमारा पृथ्वी है, और जैसे मान लो मून पे जा रहा है कोई और यहाँ पर फट जाता है, तो यहाँ पर बीच में जो है वो एयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है, यहाँ पर तो जो है वो हवा ही नहीं है, वो हमें नहीं सुनाई देगी। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी ऑप्शन, प्रबलता निर्धारित करती है आयाम, ठीक है, वैक्यूम, वैक्यूम जो रहे नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है, मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन है, पैरासाइट होता है या परजीवी बात की जाए, सहजीवी होता है या मृतोपजीवी होता है या हेलोजोई, तो ये होता है मृतोपजीवी पोषण जो रहता है। ट्रॉफिक लेवल या कहा जाए पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक स्तर डैश का प्रतिनिधित्व करता है, इसका करता है ऑक्सीजन लेवल का या सॉल्ट लेवल का, एनर्जी लेवल का या वाटर लेवल का। तो आपको पता हो ट्रॉफिक लेवल जो रहता है इकोसिस्टम में, ये एनर्जी लेवल को जो है वो डिफाइन करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। और एनर्जी की कहा जाए या फूड चैन कह दे, तो फूड चैन में आपको पता होना चाहिए, एक फूड चैन में जो एनर्जी रहती है एक जीव से दूसरे जीव में जो ट्रांसफ़र होती है वो 10% होती है। जैसे कि अगर कोई, जैसे कि हिरण हो गया, तो वो हिरण जो है वो घास खाएगा, तो घास की जो एनर्जी रहेगी में से 10% जो है वो हिरण में जाएगी। अगर हिरण को कोई शेर खा लेता है, हिरण की जितनी भी एनर्जी है उसका 10% जो है वो शेर या शेर में देखने को मिलेगी, तो 10% का जो है वो ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। तो ये भी परसेंटेज पूछ ले जाता है कई कई बार, तो याद रख लेना इसको भी। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण, फोटोसिंथेटिक, भाई फोटोसिंथेटिक तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो सूर्य की वजह से होता है, और यहाँ से हमसे पूछा गया पौधों की जड़ों द्वारा जलों का अवशोषण पूछा गया, ठीक है, ऑस्मोसिस, बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ऑस्मोसिस जो है वो देखने को मिलता है, परासरण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और एंडोसाइटोसिस नहीं होगा, ठीक है। तो पौधों की जड़ों द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो ऑस्मोसिस के द्वारा देखने को मिलता है, या ऑस्मोसिस एक उदाहरण है उसका। अब जो जड़ों में जो पानी जाता है, जैसे धरती से, क्योंकि आपको पता है हमारा जो पेड़ रहते हैं, ठीक है, पेड़ जो रहेंगे, अब जाहिर सी बात है वो जड़ नीचे रहती हैं, पानी हमारा कुछ इस तरीके से जो है ऊपर जाते हैं पत्तियों की तरह, यानी जो है ग्रेविटी के अपोजिट जो है वर्क करता है। तो ये जो पानी जा रहा है वो किसके थ्रू जाता है, जाइलम, जाइलम, जाइलम की वजह से जो है वो हमें ये देखने को मिलती है। और जिसमें जो फूड वगैरह हो गए वो हमें किससे, फ्लोएम, फ्लोएम जो है वो कार्य करता है पौधों के लिए, फूड के लिए फ्लोएम होता है, और जल जो पहुँचाता है पत्तियों तक, अन्य जगहों तक, वो जाइलम की वजह से जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका फिलहाल बी ऑप्शन। मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज, मुख्य मेमोरी क्या होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है या ऑक्सिलरी होती है, तो ये इंटरनल होती है। मेन मेमोरी मतलब हमारी कंप्यूटर, जैसे कि रैम हो गई, ठीक है, तो ये जो है वो मेन मेमोरी देखने को मिलती है। मेमोरी में बात की जाए तो रजिस्टर, मैंने आपको पहले ही बताया रजिस्टर सबसे तेज रहता है, फिर उसके बाद कैश रहेगी, फिर उसके बाद जो है वो मेमोरीज रहती हैं। तो सबसे अधिक जो रहेगी वो रहेगी हमारी रजिस्टर की स्पीड जो है वो सबसे तेज रहती है। अगर आपको रजिस्टर नहीं दिया होगा तो कैश दिया होगा, कैश, रैम, फिर SSD दे देते हैं तो कैश मेमोरी याद रखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो रैम वगैरह, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोडस, कोडस आधारी संख्या को दर्शाने के लिए क्यार अक्षर नहीं है, कोडस मतलब हेक्साडेसिमल नंबर का पूछा गया है, थोड़ा हिंदी में गड़बड़ है, हेक्साडेसिमल इनमें से कौन सा नंबर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। आपको पता हो हेक्साडेसिमल हमारा क्या रहता है, 0 से 9 और ए से लेके 9F तक रहता है, ये हेक्साडेसिमल रहता है। 16 जो है वो इसमें हमें देखने को मिलता है, 16 जो है वो बेस रहता है इसका। तो अब यहाँ से देखिए जी तो हमारा नहीं आएगा, जी बाद में आता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो आंसर हो। नेक्स्ट है, यहाँ पर किस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एकल लंबाई के केबल से जुड़े होते हैं, प्रत्येक सिरे पर एक टर्मिनल होता है, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला गया है, लाइन से बोला गया है कि एकल लंबाई, यानी यहाँ से है
और ये सारे जो है वो टर्मिनल लगे हुए हैं इधर इधर, यहाँ पर जो है वो सिस्टम जुड़े हुए हैं। तो ये किस तरह की टोपोलॉजी हो जाती है, ये हो जाती है बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस जो होती है ना उसमें जैसे सीट लगी रहती है, बस टोपोलॉजी जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेहतरीन सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो मैश टोपोलॉजी होती है। मैश, मैश में जैसे कि मैंने चार सिस्टम जो है वो कनेक्ट किए, तो इस तरीके से जो है वो हर एक जो है वो कनेक्ट रहेंगे। यानी मान लो ये केबल ख़राब होगी तो यहाँ से नेटवर्क मिल जाएगा इसको, यहाँ से मिल जाएगा, ये भी ख़राब होगी तब भी यहाँ से, ये भी ख़राब होगी तब भी यहाँ से। तो ये मतलब इसमें जो है वो बहुत ही शानदार मानी जाती है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग रिंग की तरह होता है यहाँ पर, तो ये रिंग जुड़ी रहती है कुछ इस तरीके से, रिंग के फॉर्म में जो है वो सिस्टम जुड़े रहते हैं। तो यहाँ से ख़त्म हो गया तो कनेक्शन जो है वो इसका फेल हो जाएगा। स्टार की बात की जाए तो स्टार की तरह रहती है, के स्टार में जो है वो इस तरीके से जो है जुड़े हुए रहते हैं, इसमें बीच में हब रहता है, ये स्टार हो गई। ट्री की बात की जाए तो ट्री टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से हो जाती है, ये जुड़े हुए हैं। फिलहाल तो आंसर जो है इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश के पी ई जी कंप्रेस एल्गोरिथम के साथ एनकोडेड इमेज वाले डेटा को सेव संग्रहण करने और वितरण करने के लिए एक इमेज फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन, PNG, BPM और सॉरी BMP, JPG और JIF। दरअसल जो JIF नहीं होता, ठीक है, आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, JFIF लिखा मिल जाएगा आपको, तो अगर आपको ये लिखा मिल रहा है तो इसको टिक कर देना, वरना ये आपको लिखा मिल जाए तो इसको टिक कर देना। ठीक है, अगला है यहाँ पर IPv6 एड्रेस के संबंध में कौन सा कथन गलत है या सत्य नहीं है। IPv एड्रेस जो है वो चार समूह में विभाजित होता है, बिल्कुल गलत, पहला ही तो है गलत है, इसमें चार में नहीं दो में जो है वो विभाजित होता है, एक नेटवर्क होता है एक नोड, दो में विभाजित होता है। देखिए सेकंड वाला कह दिया है वो IPv6 एड्रेस स्पेस टू पार्ट, अब यहाँ पर देखिए ये टू पार्ट जो है देखने को मिल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। 64-bit नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं तथा इसका प्रयोग राउटिंग के लिए किया जाता है एड्रेस के पहले। ठीक है, वैसे तो देखो IPv6 IPv4 हो गया, एक IPv6 हो गया। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है वो इसका फुल फॉर्म रहता है, IPv4 हो गया, ठीक है, और IPv6 हो गया। ये 32-bit का होता है, ठीक है, 32-bit का होता है, या फिर आपको बाइट मिल जाए, ठीक है, 8 byte आपको देखने को मिल जाए, ये 128। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रख लेना है, ये बिट भी जो है वो ये का जो है वो पूछ लिया जाता है कि कितने कितने बिट का जो है वो देखने को मिलता है। 4 4 8 32 4 byte का होगा ना, 4 byte, 8 4 32 होता है 4 byte, क्योंकि एक वाइट में 8 bit होते हैं, तो 8 4 32 4 byte का हो जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे तो 8 8 ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो आपको याद रख लेना है, IPv4 IPv6 चाहिए दोनों फोर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अगला है यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें से हमें बताना है कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा। DHLXDEN, देखो डी 4 पे आता है, एच 8 पे आता है, एल 12 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, ई 7 पे आता है, और ABCDEN है ये ना, एन, और ये 14 पे आता है। तो आप समझ रहे हो, 4 2 8 14 गुना जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बी 2 पे आता है, बी का 4 हो जाएगा, और 4 पे आता है कौन सा, डी आता है, आंसर आ जाएगा इसका। आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में, आंसर यहाँ पर हमें क्या बताना है, रॉन्ग बताना है कि रॉन्ग जो है वो इसमें से कौन सा है। जी से शुरू कर देते हैं, जी 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 एच, एच के बाद एच आई जे, ये प्लस 1 हो रहा है, ये प्लस 2 हो रहा है, फिर ये हो गया जे के बाद एम है, जे के एल एल एम, तो ये प्लस 3 हो गया, एम के बाद
MNOP क्यू होना चाहिए प्लस फोर, तो यहाँ पर क्यू आना चाहिए, यहाँ पर पी आ रहा है, तो गड़बड़ यानी इसमें आंसर आ जाएगा इसका हमारा डी ऑप्शन। बाकी के आप चेक कर सकते हो, जैसे कि सी डी ई ठीक है प्लस टू हो रहा है, ई एफ जी प्लस टू हो रहा है, इसमें भी जी एच आई प्लस टू हो रहा है, आई जे के प्लस टू हो रहा है, समझ गए, ऐसी बाकी भी चेक कर सकते, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा क्योंकि गलत दिया हुआ है। एम ओ 13 15, भाई एम जो है वो अभी पता हो 13 पे आता है, ओ की बात की जाए तो ये 15 पे आता है, एच अभी हमने देखा कि 8 पे आता है, जे आता है 10 पे, तो 810 जो है वो इसका आंसर होगा। इसमें से हमें बताना है कि देखिए प्लांट का कोड हमें ये दिया हुआ है, फील्ड का ये वाला दिया हुआ है, तो डिले का हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर डी है और डी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसमें देखिए लास्ट में साइन क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज आएगा पहली बात को, यानी दो ऑप्शन हो गए इन दोनों में से। फिर क्या है, ई है, ई देखिए बीच में है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 4 आया तो 4 यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद एल है, एल हमारा सेकेंड लास्ट है और ये एट द रेट है, एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या, ए वाई, अब ये यहाँ से निकाल सकते हो, ये यहाँ पर 2 है और वाई हमारा पहला ही है, तो यहाँ पर हैश आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। चलिए अगला है, ये भी सीधा सीधा सा काट देंगे, 8 5 40 50 माइनस 130 प्लस 9 59 ये हो गया, 59 में से 130 घटाओगे एक यूनिट डिजिट आएगा, यानी माइनस का 71 आएगा, आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ये आसान से क्वेश्चन है, फटाफट से हम देखें, ओके यहाँ से आप देखोगे इसको काट दो कितनी बार जाएगा, इसको 12 से काटेंगे, 12 5 12 8 48 12 98 8 5 40 8 81 तो ये 9 आएगा यूनिट डिजिट हमारा, यानी 39 जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके यूनिट डिजिट से आप कर लिया करो, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट सबके अलग अलग दिए हुए हैं, तो हमें पता पड़ेगा यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो हम सीधा जो है वो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से जो है वो हम बढ़ेंगे। अगला है, ये किसका रूट हो जाएगा, 16 का हो जाएगा प्लस एक्स इजिकल टू, यहाँ पर आप देखोगे 6 6 6 4 10 6 इंटू 114 कैसे इसे काटूंगा, 6 6 6 54 190, तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स इजिकल टू 190, और इसमें से जब आप घटाओगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो 174 ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर 20 वस्तुओं के लागत मूल 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होगा लाभ, तो आसान सा प्रश्न है, 20 वस्तुओं का ठीक है, 20 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर किसके है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा 20, 15 की चीज़ आपने 20 में बेची है तो लाभ परसेंटेज कितना हो रहा है, 5 बटा 15 इंटू 5 15 यानी 33 सही 33.33 यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है 33 सही 1/3% नेक्स्ट। एक कार 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटा में तय करती है, एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, इस दूरी का मतलब जो कार ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे में तय की हुई है, और हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो देखिए स्पीड कितनी थी 60 और 1 घंटे में तय की है, जाहिर सी बात है 60 किलोमीटर जो है वो दूरी तय की है। अब हमसे ये बोला गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो वो कितने समय में कर लेगी, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी 60 है, 40 यानी कितना हो जाएगा 3/2, अब आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, समझ में आ गया। ओके तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट अगर आपको लगे तो थम्स अप कर सकते हो ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको बाकी के वीडियो की लेक्चरों के जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी के लेक्चर आप यहाँ से देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट में जाओगे
प्लेलिस्ट में भी आपको सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, साथ में वहां से आप सब देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।